नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ ऐसी आनंददायक शुभ समाचार मिलने वाले हैं जिनसे आप सभी का मन और दिल बिल्कुल ही खिलखिला उठेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि आज शाम के 5:33 के उपरांत आप सभी के कुंडली में बड़ा ही शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों यश में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। एक प्रकार से कहें कुछ ऐसी बम्पर और धमाकेदार खुशखबरी मिलने वाली है कि आपके दुश्मनों के भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ग्रहों की स्थिति बहुत ही खास है आप सभी के लिए। अगर आप आज की इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो दोस्तों हम यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि साक्षात आप सभी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ हैं। दोस्तों, जिनके भी जीवनकाल में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद पड़ जाए, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के कुंडली में धनयोग का निर्माण हो रहा है। माता लक्ष्मी जी के महालक्ष्मी नाम का शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। और दोस्तों, भगवान शिव के परम शुभ योग शिव नाम का शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यश में आयुष्मान नाम का राजयोग का भी निर्माण आपकी कुंडली में होगा। जी दोस्तों, इन शिव आप शिव के जुनकाल में आपके ग्रहों की स्थिति यह दर्शाती है कि आप शिव का कर्म बिल्कुल ही पुण्य से परिपूर्ण है। आप शिव का स्वभाव बिल्कुल ही शिव के प्रति सकारात्मक है। आपने कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक रवैया नहीं रखा है और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सभी की मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जिनके जुनकाल में कर्म होते हैं उन्हीं के जुनकाल में ईश्वर प्रसन्न होती हैं और ऐसी ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। कौन कौन सी खुशखबरी आपको आज शाम से मिलने वाली है उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में आपको कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, इन्हें भी जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका न कर पाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, जो बात हम आपको बताने वाले हैं उन्हें आपको अपने जुनकाल में उपयोग करना ही है। इनसे दोस्तों ना ही आप अपने जुनकाल को बेहतर बना पाएंगे, इनसे दोस्तों आप अपने जुनकाल में आने वाले भविष्य में अपना एक अलग ही छवि बना पाएंगे ईश्वर के भी नज़रों में और अपने समाज में, अपने गाँव घरों में और अपने परिवार की नज़रों में भी आपका एक अलग ही अस्तित्व बन जाएगा। जी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आज की इस वीडियो को कोई भी जातक भूल कभी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवनकाल की जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं, दोस्तों सभी शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्ञान से, जिन्हें आपको जानना, जिन्हें आपको समझना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कार्य तो करते हैं लेकिन कभी कभार समझने में चूक हो जाती है। और दोस्तों, ईश्वर यही कहता है कि कार्य करो लेकिन धैर्य के साथ अगर कार्य करोगे तो जीवनकाल में सफलताएं तुम्हें मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारा भी आशीर्वाद मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों कभी कभी हमें अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कुछ भक्तिमय बातों को अपने जीवनकाल में ढाल लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जिन्हें आपको बिल्कुल ही ध्यान सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों एक बार की बात है, एक संत कहीं जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति 5 गधों पर सामान ले जाता हुआ मिला। संत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? व्यक्ति ने कहा, व्यापारी हूँ। संत ने कहा, किस चीज़ का व्यापार करते हो? तो व्यक्ति ने कहा, ये गधे जो मैं सामान लदा है उनका व्यापार करता हूँ। फिर से कहा, क्या लदा है? तो व्यक्ति बोला, पहले गधे में अत्याचार, दूसरे में अहंकार, तीसरे में ईर्ष्या,
चौथे में बेईमानी, पांचवें में छल कपट लदा है। संत ने कहा, इन्हें भला कौन खरीदता है? व्यक्ति ने कहा, अत्याचार सतधारी खरीदते हैं। अहंकार संस्कारिक लोगों की पसंद है, विद्वानों की ईर्ष्या चाहिए, और बेईमानी व्यापारी वर्ग लेते हैं, और छल कपट महिलाओं को कुछ अधिक ही पसंद है। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, मुझे शौतन कहते हैं। सारी मानव जाति भगवान की नहीं मेरी प्रतीक्षा करती है, मेरे व्यापार में लाभ ही लाभ है। संत ने कहा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, खरीदारों की तलाश में। इतना कहकर व्यक्ति चला गया। वह व्यापारी आज भी ग्राहकों की तलाश में घूम रहा है। सावधान रहें, उनके आप ग्राहक ना बने। यहाँ दोस्तों, और इन सब कुछ बातों को अगर आप अपने ध्यान में रख लेंगे, इन सभी बातों को आप समझ लेंगे दोस्तों, आप ईश्वर की नज़रों में हमेशा ही सरपरे रहेंगे, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को पसंद करता है जो अपने जीवनकाल में ये सब बातों का ध्यान रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातों को, इन ज्ञान को आप अपने अंदर ढालेंगे और या इन्हें आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन्हें समझ पाए हैं या बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि आज शाम से जो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बनी है, जो आपकी राशि में शुभ योग का निर्माण है, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से राशि में आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से शुभ समाचार आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, और दोस्तों कौन सी विशेष सावधानी आपको अपने जीवनकाल में रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और अंत में आपको बताएंगे कौन से महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इन संबंध में मेल करके समाधान भी पूछ सकते हैं। आप सभी को बता दें कि इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने काम को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपके विभिन्न लक्ष्यों के उद्देश्य निर्धारित करने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या फिर डाइट को लेकर अधिक शक्ति बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमाने के अनुसार कार्य करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित न हो, इसलिए आप अपने अनुसार कार्य करें। अब समय आ गया है कि औरों की कहने पर चलने के बजाय खुद की बातों को ध्यान दें, खुद अपनी ज़रूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। इसके उपरांत हम आप सभी को यह बात भी बताना चाहेंगे कि अपने रिश्तों को मजबूत और घावों को भरने का समय है। ग्रह इस तरह से पंक्तिबद्ध है कि आपको यह एहसास होगा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है, और आपने पुराने रिश्तों और अपनी जिंदगी को मजबूत देनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय बहुत ही अच्छा है, अपने रिश्तों को आप संभाल कर रखें। खोया हुआ रिश्ता इसमें आपको मिलने वाले हैं, और इन्हें संभालने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। एहसास होगा कि इनकी वजह से आपके रिश्ते में कितनी खटास आई थी, जो कि अपने ही जरूरत से उठाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग हैं। जो ग्रहों में मां लक्ष्मी नाम का शुभ योग है, इनसे यश में आपको लॉटरी लग सकती है। जी दोस्तों, यश में जुआ सट्टा बाजार के लिए लाभप्रद साबित होंगे, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियों के साथ लाएगा। जी दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, उन पर यश में कार्य में फोकस बनाकर रखें। आपको बड़े पैमाने पर उनमें लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिनमें आपको नुकसान मिलेगा, बस आपको किसी भी कार्य को नज़रअंदाज नहीं करना है। हम आपको बता दें कि यश में पैसे से संबंध में जो भी आपकी परेशानियां चल रही है, पैसे से जुड़ी जो भी आपकी घर में परेशानियां हैं, आर्थिक तंगियां हैं, वे सभी खत्म होने वाले हैं, और धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न रहने वाले हैं। बस यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यश में बेवजह के कार्यों में आप पेशे को ना उड़ाएं, जिंतुसों पेशा संभाल कर रखें, क्योंकि जब भी भक्त के ऊपर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो उनके जीवन काल में लाभ के कई सारे रास्ते खुलते हैं, और अगर भक्त उनके
कुछ संकेतों को नहीं समझ पाता है, उन्हें प्रसन्न करने में असमर्थ रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि माता जितनी ही जल्दी भक्त के झुनकाल में आती हैं उतने ही जल्दी उनके झुनकाल से चली भी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को यह बात पूरे विस्तार से समझा दें कि जब भी हमारे झुनकाल में ईश्वर की देवी शक्तियाँ आती है तो वह देवी शक्तियाँ सकारात्मक ऊर्जा बनकर आती है। और दोस्तों जब भी हम कोई जाने अनजाने में गलत कार्य कर देते हैं तो वह हमारा कार्य नकारात्मक होता है, और जब भी हमारे हाथों से कोई नकारात्मक कार्य हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। और दोस्तों इनसे सकारात्मक ऊर्जाएँ जो हमारे पास हैं वो हमसे दूर होने लगेंगी, यानी कि दोस्तों ईश्वर भी हमसे धीरे धीरे करके दूर होते चले जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है कि अपने झुनकाल में कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना है जो कि नकारात्मक तथ्यों से जुड़ा है, नकारात्मक कार्यों से जुड़ा है। अगर आप ऐसे करने में सक्षम रहेंगे तो हम आप सभी को बता दें कि कभी भी ईश्वर की देवी शक्तियाँ आपसे दूर नहीं जाएंगी, और हमेशा आपको कार्यों में, आपकी समस्याओं में, सब क्षेत्रों में आपको समाधान प्राप्त होगा, हर जगहों पर आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और यश में आप सभी को बता दें कि आपको जो भी पेशा यश में मिलने वाले हैं उन पेशे को आपको महत्वपूर्ण जगह पर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आप अपने झुनकाल में हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं, और ये उपहार आपको अपने बॉस के द्वारा मिल सकता है या फिर जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिल सकता है। कोई फोन कॉल द्वारा आपको शुभ सूचना मिल सकती है। तो हम आप सभी को ऐसे कुछ सकारात्मक बातें बता दें जो आपके साथ होने वाली है। यश में पॉजिटिव एनर्जी रखने से किसी भी समस्या का रास्ता आप ढूंढने में सक्षम रहेंगे, इसलिए जितना हो सके आप हर कार्यों में सकारात्मक विचार लाएं। जी हाँ दोस्तों, और कोई खास कार्य यश में बनने से आपका जो आत्मविश्वास है उनका लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। यश में आपको ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है जिनसे आप सभी के घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, घर परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आपको अपने घर में कार्य के साथ साथ अपने ईश्वर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी हमारे झुनकाल में सकारात्मक माहौल आते हैं तो ईश्वर हमें कोई न कोई संकेत जरूर ही भेजते हैं, चाहे वह ईश्वर हमारे द्वार पर कोई गाय के रूप में आ जाए या फिर कोई जानवर के रूप में आ जाए, कोई भी व्यक्ति का भी रूप में आ सकता है, अनजान व्यक्ति बनकर हमारे झुनकाल में ईश्वर दस्तक देते हैं। और दोस्तों हम अगर इन सभी संकेतों को नहीं समझते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर का अनादर ही होता है। इसलिए हम आपको कुछ संकेत बताते हैं कि अगर आपको अपने झुनकाल में कोई ऐसे अनजान व्यक्ति मिल जाए जो आपको कहे कि हम तो आपको पहचानते हैं, हमें आपसे मदद चाहिए, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको उस व्यक्ति का मदद मन चाहा अनुसार करना है, जितना आपका मन हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोस्तों वो जितना कहे आप उतना दें, लेकिन आपको इतना ज़रूर देना है जितना आपका मन कहता है, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मन में विश्वास है और विश्वास में ईश्वर है, और हमेशा ईश्वर आपसे वही कार्य कहता है जितना आप सक्षम हैं। इसलिए ऐसे में आप दिल की सुने और उस व्यक्ति की सहायता करें। इनसे दोस्तों ईश्वर की नज़रों में और ईश्वर के चरणों में आपका जो स्थान है वह बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ धार्मिक स्थलों पर दान पुण्य करना बेहद ही शुभ माना है। जी हाँ दोस्तों, शुभ माना जाएगा अगर आप यश में कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में आप कुछ रुपयों का दान कर सकते हैं जितना आप सक्षम हैं, या फिर दोस्तों आपके घर से ये सब चीज़ें दूर है तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप पशुओं के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिएगा, अपने छत के ऊपर जो भी पंछी है उन सभी के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना है। दोस्तों ये सब करने से ईश्वर की नज़रों में हमारी जो पुण्य का जो भी घड़ा होता है वो और भी बड़ा होता है, और दोस्तों ईश्वर हमें अपने झुनकाल में हमको वो खुशी देते हैं जिनकी हम कभी कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी यह बात गीता में कही है कि भक्त तू अपना कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर, फल देने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, और जो भी व्यक्ति अपने झुनकाल में आँख बंद करके कार्य करता, अपने कार्यों में मन लगाकर फोकस के साथ कार्य करता है, उनके झुनकाल में थोड़ा सा विलंब लगता है लेकिन उन्हें वो सफलताएँ मिलती है जिन्हें वो कभी सपने में भी नहीं सोचता है। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना शुभ है कि आपको अपने झुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों,
और दोस्तों हम आपको यश में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बता दें कि दोस्तों यश में आपको अपने कार्यों में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। व्यापार स्थिति आपका यश में बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने जीवनकाल में कुछ बहुरूपीय जैसे लोगों से बचना होगा। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में सभी लोग आपके जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार दोस्तों ग्रहों में भी शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं, उन्हीं प्रकार दोस्तों इस कलयुग में लोग में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो आपको क्या करना है कि बुरे लोगों की पहचान करना है और अच्छे लोगों की सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको बुरे लोगों से बचकर रहना है। जी हाँ दोस्तों जो भी आपको लगे कि यह इंसान आपके लिए नुकसानदायक है या आपको गड्ढे में ले जा सकता है, तो दोस्तों इसी व्यक्ति से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी पर भी आपको यश में आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। जब भी आप नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी की बातें आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, अन्यथा दोस्तों आपका कार्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि आपके राशि के जितने भी लोग हैं मन के बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही भोले होते हैं, कभी किसी के प्रति छल की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपके साथ रहने वाले जो राशि के लोग होते हैं वे आपके प्रति कभी भी अच्छी भावना नहीं रखते हैं। वे आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, आप किस प्रकार अपने कामों में असफल हो जाए, किस प्रकार आप अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब हो जाएँ, दोस्तों इस प्रकार की षड्यंत्र रचते रहते हैं। और अगर आप उनके कामों में सहायता कर देंगे यानी कि अपने राज की बात उन्हें शेयर कर देंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि उन्हीं बातों का इस्तेमाल करके वो आपको नीचे लेकर जाएगा और दोस्तों नीचे ले जाकर वह अपनी औकात दिखा देगा। तो दोस्तों इसलिए हम आप सभी से बस इतना कहना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर की देवी शक्तियाँ आपके साथ रहती है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कभी भी अपने जीवनकाल में गलत कार्य नहीं करना है जिनसे ईश्वर नाराज हो जाए। जी हाँ दोस्तों आपने यह बात सुना होगा कि जो भी स्त्री वर्ग है उन सभी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जो भी महिलाएं हैं उन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में कभी किसी भी स्त्री को अपमानित नहीं करना है। जी दोस्तों चाहे वह स्त्री आपके घर की हो, बाहर की हो, माँ बहन बेटी कोई भी हो, दोस्तों अगर आप उनके सम्मान नहीं कर सकते हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आप उनकी अपमान भूल कर भी मत कीजिएगा, इनसे दोस्तों माता लक्ष्मी का अनादर होगा। तो दोस्तों इन बातों को आपको अपने जीवनकाल में ध्यान में रखना है। दोस्तों जो भी जातक इन सभी बातों को ध्यान में रख लेगा, दोस्तों हम निश्चित रूप से कहते हैं कि उनका जीवनकाल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा उनके जीवनकाल में हमेशा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और हम आप शिव को बता दें कि यश में भगवान शिव का भी आशीर्वाद आप शिव के समक्ष रहने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप शिव के जो भी शत्रु वर्ग है वे आपके हाथों पराजित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हम आप शिव को यह बात बताना चाहेंगे कि कभी भी भगवान शिव अपने भक्तों के जीवनकाल में परेशानियाँ नहीं देखते हैं। जी हाँ दोस्तों जो भी भक्त भगवान शिव की तप करते हैं, भगवान शिव के लिए आराधना करते हैं, भगवान शिव उन्हें उतना देते हैं जितना वह सोच नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में ईश्वर के प्रति ख्याल रखना है, भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है और भगवान शिव पर आपको अटूट विश्वास करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी कार्यों को कर लेंगे तो दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आपके जीवनकाल में कभी भी दुश्मन आपको परेशान नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई दुश्मन आपकी आगे तक नहीं आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सभी दुश्मन आपके शीर्ष झुकाकर आपके आगे से जाएंगे। बस दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को एक और महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिन्हें करने से आप सभी के जीवनकाल में जो भी विपदाएँ हैं, जो भी बाधाएँ, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में कालशब्द योग हो उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोरपंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बेडरूम की पश्चिम दिशा की दीवार में मोरपंख की पंखा जिसमें कम से कम 11 मोरपंख लगे हो, जी दोस्तों ऐसे पंखा लगा देना चाहिए।
इसी कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है और उनके जन्मकाल में हमेशा भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहद ही आवश्यक उपाय हैं अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि भगवान शिव का आशीर्वाद तो आपके जीवन काल में प्राप्त होगा ही, साथ ही जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन काल में चल रही है दोस्तों उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके उपरांत ही दोस्तों हम आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। दोस्तों अगर आप गुड़हल के पौधे को अपने घर में रख देते हैं तो दोस्तों इस पौधे का सीधा संबंध मंगल ग्रह और सूर्य से होता है। जी दोस्तों जो लाल पुष्प अड़हुल का होता है, कोई कोई उन्हें गड़हुल भी बोलते हैं, तो दोस्तों इनका जो सीधा अस्तित्व है वह मंगल ग्रह से होता है। अगर आप इन्हें अपने घर में लगाते हैं तो मंगल ग्रह शांत हो जाता है, यानी कि आप क्रोध पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसी के साथ रोजाना पूजा के दौरान इस फूल का उपयोग करेंगे तो दोस्तों परिवार में सभी सदस्यों में जो भी कमी है उसकी पूर्ति होगी दोस्तों और यश बढ़ने वाली है। जी दोस्तों और मंगल आपका सही होगा तो हमेशा आप क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे, सभी बातों को सही ढंग से कर पाएंगे और हर चीज़ों में आपको मन लगेगा। तो दोस्तों ये जो दो उपाय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। जी दोस्तों और हम आप शिव को यह बात भी बता दें कि कोई लोग इसे कहेंगे कि यह फूल हमें नहीं मिलता है, तो दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यह फूल आपको कहीं से व्यवस्था करना है और इन्हें अपने घर में लगाना है। दोस्तों यकीन मानिए इनसे आपके जन्मकाल की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप शिवी का दिन शुभ हो, आप शिवी का समय मंगलमय हो। धन्यवाद, आप शिवी का बहुत बहुत धन्यवाद।